Hey guys, good morning. Welcome back to my new vlog. अभी सुबह का 6:30 बज गया है। कितना धूप निकला है देखिए, 6:30 बजे ऊपर आई हूँ। मुरमुरा और बिस्किट था देने के लिए। और आज बहुत काम है ऊपर। दो कब इधर है, सुबह का 10:30 हो गया है और नहा के यहाँ पर बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। उसके बाद किचन में जाऊँगी, तो ऐसे हो गया। सिर्फ दिया और अगरबत्ती जलाना है, पूजा कंप्लीट। और हाँ, आपको बताना भूल गई थी, तो आज मेरी पापा आए हैं आँखों की डॉक्टर दिखाने के लिए। तो मेरा कुकिंग मतलब खाना पकाना हो गया है, और पापा तो पूरा वेजिटेरियन है, तो वेज खाना ही बना रही हूँ। सब वेज खाना ही खाएंगे, सिर्फ हम एक कड़ी बना लूँगी। तो मटन लाए थे सुबह मेरे हस्बैंड, तो मटन फ्रिज में धो के रख दिया। रात को कुक करूँगी, क्योंकि अभी वेज खाना बना रही हूँ, उसके बाद नॉन वेज बनाऊँगी बहुत सारे। तो खाना दे दिया, सब कोई बैठ के खा रहे हैं यहाँ पर। और इतना गर्मी है आज, क्या बताऊँ। ये हस्बैंड गए थे मार्केट, तो हस्बैंड और श्वेता दोनों, तो पापा के लिए एक जूता लाए हैं। पापा लेने के लिए राजी नहीं थे, तो मेरा बेटी ने मतलब श्वेता मजाक कर रही है नाना के साथ कि मेडिसिन लाने के लिए हम गए थे, 1000 रुपया के ऊपर जो मेडिसिन लेंगे तो उसको एक जूता फ्री। तो ऐसे मजाक करते करते पापा को भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो आइडिया करके श्वेता और हस्बैंड दोनों ले आए हैं। फेस मेरा पूरा लाल हो गया, इतना गर्म है आज ना पूरा दिन। अभी 7 बज गए हैं और पापा को ले गए हैं डॉक्टर दिखाने के लिए, आंखों की डॉक्टर के पास। तो मैं सुंधा दे के अभी आई हूँ, तो फटाफट से मटन कुक कर लेती हूँ। और यहाँ पर पापा के लिए भिंडी फ्राई करूँगी और थोड़ा सा आलू फ्राई करूँगी और रोटी बनाऊँगी, आटा गूंथ कर रखी हूँ बस। और हम मटन और रोटी खाएंगे, तो प्याज थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया फ्रिज में, अदरक और लहसुन की पेस्ट है, और मटन धो के फ्रिज में रखी थी। चलिए मटन जितना भी दरवाज़ा लगा के कुक करो, तो खुशबू तो जाएगा सबको ना। श्वेता भी मतलब श्वेता को भी नॉनवेज जो स्मेल है ना अच्छे नहीं लगती है, और पापा को भी, पापा तो पूरा नॉनवेज, मैं पूरा वेजिटेरियन, मतलब गार्लिक और प्याज मतलब नहीं खाते, लहसुन प्याज ये सब कुछ भी नहीं खाते हैं। तो इसीलिए रात को बना दूंगी। अभी डॉक्टर दिखाने के लिए गए थे, किसका फोन आया। हाँ हेलो, हाँ हेलो। तो यहाँ पर चाय पीने के बाद गए हैं, तो मैं रेडी हो गई हूँ, हस्बैंड आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, तो मैं भी जा रही हूँ। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं सुन के आऊंगी, तो रेडी होके जा रही हूँ। खाने के बाद मटन कुक करूंगी, खाने के बाद मटन कुक होगा। चलो लाइट ऑफ। आ गए लेने के लिए, मैं पैदल जा रही थी पास में। चलो लग करो। প্রচুর গরম মানে বাতাসের মতো ঠান্ডা করে করবো।
हम डॉक्टर के पास थे, श्वेता साइकिल लेके पहुंच गई है, देखिए क्या बताऊं, साइकिल लेके पहुंच गई। तो ड्रेस चेंज करके पापा के लिए खाना बना रही हूँ, उसके बाद हम मटन कुक करेंगे। मटन इस तरफ है, तो पापा के लिए डिनर थाली रेडी। पापा के लिए रोटी, भिंडी फ्राई, दो टू टाइप्स की मिठाई और दूध, बस सिंपल सा खाना। उसके बाद हम मटन बनाएंगे यहाँ पर। तो चलिए, कढ़ाई गैस में बैठा दिया हूँ और ये मटन तो क्लीन करके सुबह रखी थी, तो ऑयल डालूँगी। तो ये मैं सरसों की ऑयल से बना रही हूँ, आप चाहे तो वाइट ऑयल से भी बना सकते हैं, घी से भी बना सकते हैं। तो सरसों की ऑयल से ना नॉन वेज खाना अच्छा मतलब बनता है। तो नॉन वेज कुछ भी कुक करती हूँ तो मैं सरसों की ऑयल यूज करती हूँ। अभी मैं दालचीनी, इलायच और लौंग डाल दिए और मटन दे दूँगी। अभी तेल अच्छा से गरम कर लेना, उसके बाद ये सब डाल के मटन डाल देना। बस ये जो रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ना, ये मेरा खुद का आइडिया है, कैसे होगा पता नहीं है, और मैं कभी भी बनाई नहीं हूँ ऐसे, आज बना रही हूँ। मतलब मटन जब होता है ना, मैं सिंपल सा मटन बनाती हूँ, मतलब कम मसाला से। आज भी कम मसाला डालूँगी, नमक डाल रही हूँ और 750 ग्राम मटन है, तो नमक डाल के थोड़ा सा भुनना है। एक्चुअली ज़्यादा गर्मी में ना ज़्यादा मसाला रात को मतलब खाना अच्छा नहीं है, और हम भी खाते नहीं हैं ऐसे। तो मतलब 750 ग्राम मटन है, आप चाहे तो बहुत ज़्यादा मसाला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मटन ऐसे ढंकन लगा के थोड़ा सा फ्राई करना, उसके बाद यहाँ पर मेरा अदरक और लहसुन पेस्ट भी ख़त्म हो गया है, 2 चम्मच डाल रही हूँ भर के, आप चाहे तो 4 चम्मच भी डाल सकते हैं। ग्रेवी थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो हम रात को खाएंगे ना, इसीलिए कम मसाला डाल रही हूँ। अदरक और जिंजर पेस्ट डाल रही हूँ, 5-7 मिनट भुनना है, फिर ढंकन लगा के कुक करूँगी। तो आप चाहे तो प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो कढ़ाई में बना रही हूँ ना, ये भी प्रेशर कुकर जैसे काम करता है कभी कभी, तो बहुत जल्दी से बॉयल हो जाता है। तो इसमें मैं मटन बिरयानी ये सब बनाती हूँ। तो ये ग्रीन चिली तोड़ दिया ऐसे, आप चाहे तो पेस्ट करके भी ग्रीन चिली डाल सकते हैं। और ये जो मटन रेसिपी ना, आप ग्रीन चिली से ही अच्छा लगता है। और प्याज को थोड़ा सा हाफ कद्दूकस कर दिया, आप चाहे तो पूरा पेस्ट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे कटिंग करके भी दे सकते हैं। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे जीरा में पेस्ट बना लिया, सिल नोड़ा से, तो 3 चम्मच जीरा, ज़्यादा मतलब ये जो रेसिपी है इसमें ज़्यादा जीरा जाएगा, तो ज़्यादा जीरा भी दे दिया। और रेड चिली पाउडर यहाँ पर मैंने यूज की हूँ थोड़ा सा, मतलब कलर के लिए, नहीं तो फिर आप ग्रीन चिली से भी बना सकते हैं, और थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा, इसमें हल्दी नहीं जाएगा। और दही थोड़ा सा फेंट के, छोटा एक बाटी मतलब छोटा सा मतलब 4-5 चम्मच होगा दही, खट्टा दही है, इसको अच्छा से फेंट के डाल दिया। ये भी 5-7 मिनट भुनना है, सब एक साथ मिक्स हो जाएगा, उसके बाद ढंकन लगा देंगे। बस ऐसे देखिए ढंकन लगाते कर रही हूँ, और जो दही था जो बाटी में, इसको धो के थोड़ा सा पानी डाल दिया, चम्मच के दिया, ऐसे देखिए बिना हल्दी की हो रहा है। और हल्दी मत डालिएगा, इसमें हल्दी नहीं जाएगा। और यहाँ पर गर्म पानी हो गया है, इसमें थोड़ा सा एक बाटी
मतलब थोड़ा सा बड़ा साइज़ की एक बाटी से एक बाटी पानी गर्म करके इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि मटन थोड़ा सा हड्डी वगैरह ये अच्छा से बॉयल होगा ना, तो इसीलिए थोड़ा सा पानी डाली हूँ, एक बाटी, ज़्यादा नहीं है। और गैस को ना सीम करके ढंकन लगा के पूरा 10-15 मिनट ऐसे छोड़ दीजिए, मटन अच्छे से कुक हो जाएगा। और इतना टेस्टी हुआ था ना, इतना टेस्टी हुआ था। अभी तो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ एक दिन के बाद, मटन बहुत टेस्टी बना था गाइस। ऐसे ये जो रेसिपी है ना, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। ऐसे दरवाज़ा लगा के मटन बना रही हूँ, तो मटन हो गया। पापा को सोने के लिए भेज दिया, 10:30 बज गया है, तो अभी हम डिनर करेंगे। तो हम यहाँ पर नीचे बैठ गए हैं खाने के लिए, तो हस्बैंड आर्यन और मैं तीनों तो खाएंगे। तो मैं खाऊंगी चावल, दोपहर का थोड़ा सा चावल है तो मैं खा लूँगी, तो रोटी मुझे अच्छा नहीं लगता है खाने के लिए। और हस्बैंड और आर्यन दोनों खाएंगे मटन और रोटी। तो चलिए दे देती हूँ और हम भी खाते हैं, एंजॉय करते हैं। आप मेरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, नेक्स्ट एक न्यू वीडियो के साथ जल्दी से मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। Thank you.